गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको स्टैंडर्ड 7 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 8, मुस्कान के मोती। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 7 बड़े कहानी मैंने आपको समझाई थी, बराबर। आपने ये कहानी लिखी होगी, समझी होगी और होमवर्क भी आपने इसका किया होगा। अब मैं आगे आपको चैप्टर 8 मुस्कान के मोती, मुस्कान यानी हंसना, बराबर, हंसी का फुहारा जॉक्स की तरह होता है ना, तो आपको ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। देखना, आप हंसना मत, बराबर। मुस्कान के मोती, हंसी आएगी आपको। चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चिंटू क्या कहता है? चिंटू कहता है, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। कितने दिन? 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू कहता है, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? उसने तो पहले मारा था, तो आज तुमने क्यों उसको चाटा मारा? तो पिंटू कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। क्या कहता है? अरे मैंने तो कल देखा, इसीलिए मैंने, मुझे याद आया तो उसको मैंने आज मारा। अब आगे पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पति कहता है अपनी पत्नी को कि अब मुझे सब कुछ याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। कौन सी किताब लाया? याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। उसकी पत्नी कहती है, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। अब आगे भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भिखारी भीख मांगता है और कहता है कि 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। जो भरत के पास भिखारी आता है वो क्या कहता है? कल आना। भिखारी कहता है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे। जो भी बोलता है वो कहता है, कल आना, कल आना, कल कल करते तो मेरे इस मोहल्ले में लाखों रुपए फंसे हैं। अब आगे शिक्षक कहते, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? शिक्षक प्रश्न करते हैं और रमेश को कहते हैं, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश कहता है, गुरुजी, 0 निकाल दीजिए। क्या कहता है? गुरुजी, 0 निकाल दीजिए तो 5 बच जाएंगे, राइट ना? क्या गलत? आप सोचो। अब आगे सुशील कहता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तितलियां गिनते हैं। मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तितलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता कहती है, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तितलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तितली खराब तो नहीं। समझ में आया ना क्या होता है? उसके पिताजी माचिस की डिब्बिया खरीदते तो उसको गिनते और वो उसके पिताजी सारी तिलियां जलाकर देखते हैं। अब आगे सुरेश कहता है, वह टायर कैसे पंचर हो गया? सुरेश कहता है, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश कहता है, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था।
एक कांच की बोतल पर चढ़ गया, इसलिए पंचर हुआ। सुरेश कहता है, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? सुरेश उसको पूछता है, क्या तुम्हें वो बोतल नहीं दिखाई दी? महेश कहता है, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गई। क्या कहता है कि क्या पता यार, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरे कार के नीचे आ गया। समझ में आया? ओके, अब आगे चित्र दिया है, देखो इसमें क्या लिखा है। आपके जूते बाहर निकालिए। कैसे निकल रहा है? देखा, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, यानी जूते बाहर। चलो अब आगे। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। 10 मुंह वाला रावण, वो कहता है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से सिर में दर्द है, मेरा कुछ उपाय है? अब आगे ये चित्र को ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये चित्र क्या है। अब मैं आपको पढ़ रही हूँ। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा है। अब हाथी की बारी है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब हाथी है जो इसके सर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए। ये हाथी की इच्छा पूरी करनी है कि इसके सिर पर आपको हाथी दिखना चाहिए, तो आप कैसे करोगे? बराबर, आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हो। अब आपकी जो किताब है, इस तरह आपको इसको उल्टी करनी है। हो गया? समझ में आया बेटा? तो ऐसे होता है जॉक्स। तब आगे, तो ये सब आपके जॉक्स है। मुस्कान के मोती, यानी आप अपने मन से पढ़ोगे और सुनोगे तो आपको भी अपने अकेले में हंसी आ जाएगी। तो ये आपको पढ़ना है और जॉक्स चुटकुले सुनकर मुस्कुराना है। अब आगे अभ्यास। प्रश्न 1, इकाई में दिए चुटकुलों को दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। यानी दो फ्रेंड होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से पढ़कर चुटकुला सुनाइए। प्रश्न 2, आप सुने हुए मजेदार चुटकुले सुनाइए। आपको इसके अलावा जो भी चुटकुले आते हैं वो आप सुना सकते हो। 3, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। उदाहरण के अनुसार एक रखकर आपको चुटकुला बनाना है। उदाहरण, शिक्षक कहता है, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? छात्र, मूर्ख। माँ कहती, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा, बराबर। ये तो शिक्षक कहता है, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? छात्रा कहती है मूर्ख है। तो इसी तरह आपको ये भी सब क्वेश्चन आपको अपने मन से लिखने, यानी आपको समझ में आए। माँ, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया, तो आपको बताना है कैसे आया। दुकानदार आप से खड़े खड़े चीजों को देख रहे, आपको क्या चाहिए, ग्राहक क्या कहेगा, ये आपको आंसर लिखने हैं। इसी तरह आगे,
क्वेश्चन 4, फंसोगे फिर भी हंसोगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। तो क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? ये अपने को लिखना है, तुमको लिखना है, तुम क्या हो? तो इस तरह सब पढ़ना है। क्या तुम अकेले ही पागल हो? मेरे दिए हुए 500 रुपए खर्च कर दिए। तो आपको इसके आंसर लिखने हाँ या ना में वो आपको सोचकर लिखना है। और ये स्वाध्याय बराबर आपको कंप्लीट करना है। तो ये था चैप्टर आपका हंसी का फुहारा, मुस्कान के मोती। तो ये आपको लिखकर अपनी वर्कबुक नोटबुक में लिखना है। ओके।